या पद्मासन में बैठ करके पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम में प्रमुख प्राणायाम भस्त्री का, कपालभाति प्राणायाम, बॉडी हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को। एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वेट बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, उसको कम करने के लिए दवाई देते हैं। हम सिस्टम को रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीलेटरी, आसोसाइस्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, हाइपोथैलेमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के एक एक सेल के भी जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर के पूरी सिस्टम को हम अच्छा बनाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जायी, ये सब प्राणायाम करके। अब किसी को टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, यहां तक कि किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, यूट्रस ओवरी का कैंसर है, यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, किसी को हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, कोलाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियास के बीट एसेस डीजनरेट होंगे तो डायबिटीज होगी, और ऐसे लंग फाइब्रोसिस, लंग की रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है। जितने लोग हार्ट प्रॉब्लम से मरते हैं उससे ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। तो उसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिस्टम से लेकर के पूरे सोल को अच्छा करते हैं, भीतर के इंटरनल ऑर्गन से लेकर के पूरे स्ट्रक्चर से लेकर के कैरेक्टर को करेक्ट करते हैं। यह है योग की महिमा। कपालभाति, फिर एक और बहुत अद्भुत प्राणायाम है, ये पेटो डायबिटीज के लिए बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसके लिए पहले एंट्री पास लेना पड़ता है। बहुतों का तो नो एंट्री का बोर्ड लगा है, दाई बाई तरफ खूब माल ढोक रखा है, थेपला, ढोकला, लाडवा, और फिर आम, पूरन पूरी, ये सब खा खा करके गणेश जी के लड्डू खाए तो गणेश जी जैसा ही ये कपालभाति बाह्य प्राणायाम जबरदस्त है। अग्निसार भी, और फिर हम तो बैठे बैठे और खड़े होकर के पूरा हिला देते हैं। बैठे बैठे हिलाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खड़े होकर के हिलाना अपेक्षाकृत आसान है। मैंने स्लो मूवमेंट में किया था थोड़ा, अब इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। फिर अनुलोम विलोम, ये भी जबरदस्त है। बीपी क्योर हो जाता है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन खत्म, नर्वस सिस्टम एकदम अच्छा, हार्ट की कोलेटरल आर्टरी तैयारी हो जाती है और आर्टरीज ओपन हो जाती है। दूधी भोपला, दूधी का जूस पीने से, सोरेकाई, लौकी, घिया, कद्दू, जो भी बोलो, उसका जूस पीने से, प्राणायाम करने से यह अद्भुत लाभ है इसका। अनुलोम मिलो, पांच पांच मिनट का एक एक राउंड। फिर भ्रामरी, ओ फिर ओंकार ध्यान। गर्मी बहुत है तो शीतली शीतकारी प्राणायाम, जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना और थोड़ी देर रोक के नाक से छोड़ देना, ठंडक कर देता पूरा। जिनका माथा बहुत गर्म रहता है, जिनको गुस्सा बहुत अधिक आता है, जिनको पसीना बहुत अधिक आता है, हाथ पैर पसीने से भीने भीने रहते हैं, उनके लिए औषधि है शीतली,
फिर दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं, अंदर भरते हैं तो शीतकारी, ऐसे और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, ये मैंने मुख्य प्राणायाम बताए। योग के प्रोटोकॉल में इतने योग का अभ्यास रखा है जिसको सब कर सकते हैं। जैसे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले, अब जगह कम है तो थोड़ा सा हम करके बता देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खींच दिया तो ये ताड़ासन हो जाता है। फिर दूसरा जो बॉडी के बैलेंसिंग के लिए अच्छा है, इसको वृक्षासन कहते हैं, ऐसे हाथ करके, अब तो मुझे थोड़ा ऐसे नकली करना पड़ेगा क्योंकि हाथ पूरे सीधे नहीं हो सकते, ऐसे बॉडी का बैलेंस बनाना, ऐसे ऐसे। और वैसे तो ये तो हल्के वाला है, जब बैलेंस बन जाए तो फिर तो गरुड़ासन कर सकते हैं ना, ऐसे इतना बैलेंस होना चाहिए, लैग स्ट्रेंथन हो जाती है, बच्चों को कराना चाहिए। आगे झुक गए तो पाद हस्तासन, आगे झुक के कोशिश हो कि माथा घुटनों से लग जाए। फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग करने से स्पाइनल कोड का बैलेंस अच्छा रहता है, ऐसे। और सब चक्रासन तो नहीं कर सकते, इसलिए अर्ध चक्रासन रखा है योग प्रोटोकॉल, क्योंकि इसे उनको सब करेंगे, प्रधानमंत्री जी भी करेंगे ऐसे। जिनको सर्वाइकल स्प्लैट स्ट्रेन होता है, चक्कर बहुत अधिक आते हैं, उनको नहीं करना होता, नहीं तो कई बार गिर जाते हैं लोग। फिर योग प्रोटोकॉल में एक अभ्यास रखा, उसका नाम है त्रिकोण आसन। ऐसे दोनों पैर पहले सीधे, फिर दाएं पैर को ऐसे घुमाए और ऐसे ले गए, और यह हाथ नीचे आया, ऊपर वाला हाथ ऐसे, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने, नीचे वाले हाथ की भी हथेली सामने, नीचे वाला हाथ पंजे के पास, ऊपर वाला हाथ कान के बराबर में ऊपर सीधा, और ऐसे ऊपर देखते हैं ऐसे, तो इसकी साइड की स्ट्रेचिंग पूरी हो जाती है ऐसे, दूसरी तरफ से ऐसे, जितना अधिकतम ऐसे झुक जाते हैं ऐसे। ये खड़े होकर के अभ्यास, बैठ करके एक बोलते हैं दंडासन, ऐसे दंडासन में बैठ करके ही सभी अभ्यास शुरू किए जाते हैं। दंडासन में बैठ करके एक अभ्यास है, इसका नाम है भद्रासन। वैसे तो ऐसे ही बैठ जाए तो बहुत है, इसमें घुटने जमीन पर टिकने चाहिए, लेकिन हम लोग तो एड़ियों पर भी बैठ जाते हैं, तो ये पूरा भद्रासन हो, लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है। और फिर वज्रासन तो बहुत इजी है, ऐसे पैरों की एड़िया बाहर, पंजे अंदर, अंगूठे पर अंगूठा, इसमें ऐसे बैठे तो खाने के बाद बैठते हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। इसमें जब पीछे की ओर झुक गए तो थोड़ा झुकते हैं तो अर्ध उष्ट्रासन, ऐसा कि कमर के लिए सर्वाइकल स्प्लैट स्ट्रेन के लिए अच्छा है, बैक का बैलेंस रहता है। और जब पूरे आ जाते हैं पीछे तो ये उष्ट्रासन हो जाता है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इन आसनों को खूब ट्वीट किया है, ये सर्वाइकल स्प्लैट स्ट्रेन के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा है। फिर आगे झुकते हैं तो शशकासन हो जाता है। शशकासन में ऐसे श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, हथेलियां पुनः माथा जमीन पर टिक जाते हैं, इतना झुके कि आगे पूरी छाती भी टिक जाए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। और डायबिटीज और पेट के लिए रामबाण है मंडूकासन, नाभि के दोनों ओर लगा देते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। मैं पहले ही दिन से लगभग लोगों के आधी इंसुलिन कर देता हूं, यदि 50 यूनिट ले रहे हैं तो 25 कर देता हूं, और मैक्सिमम लोगों के 99% लोगों की पहले ही दिन से डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रोल की, स्ट्रेस की, इंसोम्निया, अनिद्रा की दवाइयां बंद करवा देता हूं। ये आसन है,
कपालभाति, अनुलोम विलोम और मूल मंडूकासन, और फिर और आसन बताऊंगा मैं आपको डायबिटीज के लिए आगे भी। 21 जून का भी योग प्रोटोकॉल बता रहा हूं। श्वास बाहर छोड़ा, ऐसे झुक गया। पूरा पेट अंदर चला जाता है और आगे से छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी होती है। ऐसे एक मिनट, और एक आसन का समय, आसनों में विधि, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन का बहुत महत्व है। एक आसन का समय एक मिनट से लेके पांच मिनट। आगे झुकते हैं श्वास बाहर, पीछे झुकते हैं श्वास अंदर। आधा मिनट से शुरू करना चाहिए, 30 सेकंड से वन मिनट एक बार में, ऐसे पांच मिनट तक करना चाहिए। मंडूकासन जबरदस्त है पेट के लिए, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, पूरे स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए ये जबरदस्त है मंडूकासन। ऐसे इसको ऐसे भी किया जा सकता है। डायबिटीज के लिए जबरदस्त है। और मैक्सिमम लोग कर पाते हैं, जो नहीं कर पाए ऐसे तो ऐसे सुखासन में बैठ के झुक जाते हैं, तो इसको योग मुद्रासन कह दिया जाता है। वैसे अच्छा है कि ऐसे पद्मासन में बैठ के झुके तो ये पूरा योग मुद्रासन हो गया। थोड़ी जमीन पर टिक जाए। अब जो ऐसे कर लेगा उसकी गैस कहां बचेगी, कुछ ऊपर से निकल जाएगी, कुछ भी से निकल जाएगी, सब ठीक। फिर एक कंधों के लिए अभ्यास तय किया गया है। दाएं हाथ से बाएं, बाएं हाथ से दाएं हाथ के कंधे को पीछे से छूना और ऐसे दोनों हाथों को यूं रखना। ये योग के प्रोटोकॉल के मुख्य आसन बैठ करके मैंने बताया। फिर उल्टे लेट करके एक आसन का नाम है ये मकर आसन, जिसमें एड़िया अंदर पंजे बाहर, ये विश्राम का आसन। फिर भुजंग आसन, कमर की बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत जरूरी है ऐसे भुजंग आसन। मैं इसके दो अभ्यास करवाता हूं, योग प्रोटोकॉल में तो एक ही है। ऐसे भी उठवा दो, इससे और ज्यादा कमर को पूरा व्यायाम मिलता है। और शलभासन, पीछे से एक एक पैर को, जिनको हार्ट हाई बीपी के प्रॉब्लम में बैक एक है, और नहीं तो दोनों पैरों का इस एक साथ उठा देते। अब सीधे लेट करके योग प्रोटोकॉल में यद्यपि उसे सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन मैं इसको हमेशा करवाता हूं। इसका नाम है मरकटासन, भुजंगासन, मरकटासन, उष्ट्रासन। इतना भी कोई कर ले तो कमर दर्द, सर्वाइकल स्प्लाइट स्पेन रह नहीं सकता। घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, ये मरकटासन कमर के लिए बेस्ट है। आज दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी यही सजेस्ट करे, भाई ये तो होना ही चाहिए। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। यह हुआ मरकटासन का पहला अभ्यास। इसका दूसरा अभ्यास है घुटने पंजों में फासला, ऐसे एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे। और मरकटासन का तीसरा अभ्यास है एक पैर ऐसे अपोजिट साइड के हाथ के पास आ जाता है, इस तरह से। अभी मैं आधा हवा में कर रहा हूं, आधा जमीन पर कर रहा हूं, क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा ही था। मंत्रालय आणि विधि मंडल वार्ता हर संघ में ऐसी व्यवस्था है, और इसी में हमने इसको योग वार्ता के लिए उपयुक्त बना लिया है। तो और आपको मैं कह रहा था कि योग प्रोटोकॉल में फिर मुख्य आसन है कंधरासन, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। बीच से उठा दिया, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचा, ये भी कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी नाभि धरण पीछोटी खिसक जाती वो भी अच्छी हो जाती है। और
फिर बहुत जबरदस्त है पेट के लिए और डायबिटीज के लिए भी उत्तान पादासन, ऐसे घुटने सीधे पंजे तनेवे, ऐसे करने से ही डायबिटीज कंट्रोल होती है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, मंडू का आसन, उत्तान पादासन, और किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ऐसे नौकासन भी कर सकते हैं। ऐसे ये तो ये नौकासन, नाव जैसी स्थिति, ऐसे एक मिनट तक रोकने में बहुत जोर पड़ता है। फिर पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा पवन मुक्तासन योग के प्रोटोकॉल में भी रखा है। ऐसे किसी भी आसन को आधा से एक मिनट करना, ये तो मैंने योग प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया। अभी मैं आपको, जैसे किसी किसी का पेट बहुत डिस्टर्ब रहता है, नाभि से और स्तन की दूरी मापो तो एक से लेकर के दो तीन इंच का फासला मिलता है, इतना इम्बैलेंस होता है। अब मेडिकल साइंस में इसका डिजीज का कोई नाम तो नहीं है, इसको हिंदी भाषा में धरण डिगना, नाभि डिगना, गुजराती में पिचोटी खिसक जाना, और मराठी में क्या बोलते हैं, कुछ सरक गई है। तो उसके लिए ये तलवों को मिलाया, ये कठिन है थोड़ा, लेकिन जिसकी खिसक जाए नाभि उसके लिए ये ऐसे खींच करके नाभि के दोनों ओर कोहनियां आ गई, और अंगूठा नाक से लगता है, ऐसे थोड़ा कठिन है, थोड़े दिन में आशीष जी भी कर पाएंगे वैसे। इनकी खिसकी ने इन्होंने बहुतों की खिसका दी है। तो ये तो ये हमने आपको थोड़ा हंसते हंसते कुछ योगासन बताए। देखो योगासनों में जैसे मैं कह रहा था डायबिटीज के लिए मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ऐसे एक वक्रासन और अर्भतसेंद्रासन होता है डायबिटीज के लिए। बाएं पैर मोड़ा, दाएं उसके बाहर रखा ऐसे, और इस तरह से घूम गए, ये पेट के लिए पेनक्रियाज के लिए डायबिटीज के लिए रामबाण, इसका नाम है अर्धमत्स्येन्द्रासन। यह हाथ घूम करके ऐसे चला जाता है कि ये इस जगह से लग जाता है। ऐसे ही दोनों तरफ से इसको ऐसे करना, ये तो ऐसा लगेगा कि बाबा जी कुछ तोड़ मरोड़ दिया शरीर, तो सबसे हो नहीं पाएगा। इसके लिए इसका सरल विकल्प है वक्रासन, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है, और पेट के लिए भी। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर मोड़ा, और ये हाथ ऐसे रखें और ऐसे घूम जाए, ये है वक्रासन। अथवा इससे ऐसे पकड़ ले और ऐसे घूम जाए, पूरा घूम जाते हैं पेट, पीठ, पेनक्रियास को पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज में ये। तो ऐसी हल्का हल्का अभ्यास तो सभी कर सकते हैं। ये ऐसे इस तरह से योग के सरल अभ्यास योग के प्रोटोकॉल में शामिल किए गए, जिससे कि सब लोग कर सके। डिजीज के हिसाब से भी एक प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने अभी डायबिटीज के लिए बताया कि कपाल भाति, अनुलोम विलोम, कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन अथवा पवन मुक्तासन, इतना ही कर लेते हैं तो डायबिटीज अच्छी हो जाती है। बीपी के रोगियों को ज्यादा आसन करने की जरूरत नहीं, वो खाली प्राणायाम ही करें तो उनका बीपी क्योर हो जाता है। खाली कोई भी आसन में बैठ करके अनुलोम विलोम, बीपी बहुत बढ़ रहा है, और भाइयों से ज्यादा बहनों का बढ़ रहा है, ये बहुत मैं अनुभव की बात कह रहा हूं। लेडीज को जो भी कारण है, किसी भी प्रकार के, चाहे वो फैमिली के कारण से स्ट्रेस है या और किसी भी वजह से, शरीर में मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, खान पान में प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, जो भी कारण है, स्ट्रेस लेवल जेंट्स में तो था, लेडीज में भी बढ़ रहा है, और बीपी के पेशेंट करीब करीब
सवाया ज्यादा है लेडीज में, इसलिए अनुलोम विलोम भ्रामरी ओम ये ध्यान मुद्रा इसमें बैठ, ये ती और शीतरी शीतकारी आराम आराम से पहले ही दिन करना, लौकी का जूस पीना 7 दिन से लेकर के 1 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह में बीबी क्योर हो जाता है, ये लाभ है इसका जबरदस्त। लौकी का दूध ही भोपला का जूस, और छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में फिजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ एक बड़ा प्रश्न है, बच्चे मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिखते हैं, उनमें भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ, गुस्सा बहुत करते बच्चे और वायलेंस पर भी उतारू जाते हैं, सबसे पहले तो फाइटिंग वो माँ पर करते हैं, फिर बाप की बारी आती है, फिर घर को पूरा ऊंचा नीचा कर देते हैं। बच्चों को बचपन से कम 5 आसन कराने चाहिए, इसमें ये पहला आसन है बच्चों के लिए शीर्षासन, बच्चे तो शीर्षासन में ही पद्मासन भी लगा सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबल होता है उनका शरीर। शरीर सदैव हो, मन भी सधा हुआ हो, जीवन सधा हुआ हो, इसी को कहते हैं योग साधना, योग अभ्यास। योग अभ्यास से हमारे जीवन के अभ्यास भी अच्छे हो जाते हैं। आज भारत में सर्वाधिक बीपी के रोगी हैं, सर्वाधिक डायबिटीज के रोगी हैं, भारत में सबसे ज्यादा मोटापा के रोगी हैं, और ये भारत के लिए अच्छा नहीं। हाँ, बच्चों को कम से कम शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, हलासन ये भी करना चाहिए, ये थायराइड के लिए भी, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से 1 से 2 मिनट करें, ऐसे ये थायराइड को क्योर कर देता है, सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति, उज्जायी और सिंहासन, इस तरह से सामान्य श्वास चलते रहते हैं, जब आगे झुकते हैं श्वास बाहर, पीछे झुकते हैं दाएं बाएं झुकते हैं, ऊपर उठते हैं तो श्वास अंदर होता है, ये योग में श्वासों का नियम है। और फिर पैर पीछे टिका दिए तो ये हो जाता है हलासन। और बीच से उठा दिया तो हो जाता है चक्रासन। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में होती है, बच्चे आराम से कर लेंगे, आप परेशान मत होना। और आगे झुक जाते हैं तो हो जाता है पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक करके पहली अंगुली और अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ा, कोहनियों को जमीन पर टिका दिया, ऐसे। अब बच्चे हैं तो वो तो मयूरासन भी कर सकते हैं, बच्चों के अंदर तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है ना, ये मयूरी आसन है। बच्चों को बचपन से ही पद्मासन, और पद्मासन में यदि पीछे से पकड़ में आ जाए पैर, कोशिश कर लेते हम भी, अभी तो बूढ़े नहीं हुए हैं, ऐसे पकड़ लें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे। और हां देखो, ये तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की है योग के बारे में, योग रोगियों के लिए
चिकित्सा विज्ञान है, उनके लिए औषध है, रोगियों के लिए मेडिकल साइंस मेडिसिन है, योगियों के लिए यह जीवन विद्या है, अध्यात्म विद्या पराविद्या तत्वज्ञान है, अद्वैत की साधना है। और योगी व्यक्ति निरोगी तो बनता ही है, वो समाज के लिए उपयोगी भी बनता है, वो अच्छे कार्यों में सबका सहयोगी भी बनता है। योग से उद्योग की यात्रा, योग से जीवन में सहयोग की और सद्भाव की यात्रा, ये बहुत बड़ा विज्ञान। और इसलिए हमने आज इंटरनेशनल योग डे से पहले ये प्रयास की कि हम नांदेड़ में योग के लिए जा रहे हैं कल, और परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ खुद 2-2.5 घंटा देवेंद्र फडणवीस साहब भी योग करेंगे, आशीष जी भी होंगे, और आप मुंबई में करेंगे, हमारे मुंबई में भी सुरेश यादव जी, हमारी पूरी टीम हर साल यहाँ, अभी भी पूरे मुंबई में हमारी करीब करीब 500 योग की कक्षाएं छोटे छोटे इलाकों में। और मैंने संकल्प लिया हुआ है 365 दिन मुझे योग कराना है, करना तो है, वो तो मैं 9 साल की उम्र से कर रहा हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं जब योग नहीं करवाए। तो 365 दिन के योग के संकल्प के साथ हम इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि एक दिन का योग दिवस ना रह जाए, हर दिन योग हमारी जीवन पद्धति बने। मैं कल भी यहाँ मुंबई में सुबह रहूँगा, दोपहर को जाऊँगा, तो सुबह शिविर तो नहीं है, तो योग के हमारी जो फ्री क्लासेस चलती हैं, हमारे भाई सुरेश यादव जी कहाँ लगा रहे हैं कल? सायन कोलीवाड़ा में, वहाँ पर डेली हमारी योग की क्लास चलती है, बहुत से कैंसर के रोगी आकर के उधर ठहरते भी हैं पूरे देश भर से। सुबह 6 बजे मैं वहाँ पर योग कराने के लिए जाऊँगा। मेरा तो वैसे 5 बजे मेरी जो है कक्षा शुरू होती है, नांदेड़ में भी 5 बजे, 5 बजे का मतलब मेरा 4:45 होता है बिफोर टाइम, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज बिफोर टाइम थी। तो ऐसे ये योग का एक अभियान लेकर के हम आगे चले, और योग के बल पर जहाँ देश स्वस्थ बनेगा, देश ऊर्जावान बनेगा, चरित्रवान बनेगा, वहीं योग के बल पर भारत का नैतिक और आध्यात्मिक बल इतना सबल होगा, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी बड़ी पहचान बनाएगा, और 2045-50 तक पहुंचते भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बने। इस संकल्प के साथ हम पूरे देश को जगा रहे हैं, और पूरा देश जगेगा, आगे बढ़ेगा, और फिर से भारत विश्व गुरु और विश्व की महाशक्ति सुपर पावर कहलाएगा, और ये भारत का परम वैभव हमारी आंखों के सामने हो, और हम इसमें अपने कुछ जीवन की आहुति अर्पित कर सकें, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। आपने इतनी शांति से इतनी देर मुझे सुना, आजकल लोग सुनाते ज़्यादा हैं सुनते कम, फिर भी आपने इतना धैर्य रखा, इतने प्रेम से, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सब करने में इंटरेस्टेड और काफ़ी करते भी। आपके कोई प्रश्न है तो उसको मैं आमंत्रित करता हूँ। रेगुलेटरी बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, हमें और ज्यादा उनको सक्रिय करना पड़ेगा, सतर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा उनको ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग खाने पीने की चीजों में किसी भी प्रकार की मिलावट करते हैं। अब लौकी कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो है, हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा और यूरोप जैसे नियम बनाने पड़ेंगे कि वहाँ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की एक मात्रा से ज़्यादा लौकी, तुरई, परवल, भिंडी, टमाटर, कोई भी फल फ्रूट ग्रेन
चावल गेहूं किसी भी चीज में एक मात्रा से ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की मात्रा नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहां लौकी में तो चलो बेल में लगाया, उससे ग्रोथ की और फिर आपके पास आया, वो लौकी जल्दी सड़ जाएगी, 2-3 दिन के अंदर उसमें बदबू आने लगेगी, वो हेल्दी नहीं होती है। लेकिन भिंडी, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसके ऊपर सीधा पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। पहले दिन पेस्टिसाइड छिड़का, अगले दिन बाजार में आ जाती है, क्योंकि हर दिन भिंडी तोड़ते हैं, डेली का साइकिल होता है उसका। खेत में से कुछ भिंडी बड़ी हो जाती है, कुछ छोटी रहती है, तो बड़ी बड़ी भिंडी रोज तोड़ता है, और हर तीसरे दिन वो, हर पांचवें दिन, हर सप्ताह अलग अलग फसलों में वो छिड़काव करते हैं। छिड़कने के अगले दिन बाजार में ले आते हैं, आप उनको खा लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं स्वामी सुमेधानंद जी, MP हैं बीजेपी से, वो उन्होंने मुंबई में भिंडी खाई। पहले तो पूरा परिवार और वो खुद हॉस्पिटलाइज हुए, फूड पॉइजनिंग हुआ, और अगले दिन से उनको डायबिटीज हो गई। केमिकल्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पैनक्रियास पर पड़ता है। बच्चे बुखार की दवाई खाते हैं, बच्चों ने टाइफाइड की दवाई खाई और बच्चा को डायबिटीज हो गई, यह हालात है। खैर, हमको फलों, सब्जियों और जितना भी प्रोसेस्ड फूड है और बाकी भी चीज़ें, उनमें जो एडल्ट्रेशन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत स्वास्थ्य, जैसे लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आरोग्य भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जीने का अधिकार, लोग खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा चिकित्सा का अधिकार के ऊपर तो बात करें, वह जीवन तो बचे, जीवन का अधिकार, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए जो भी बाधाएं हैं उसको हमें दूर करना पड़ेगा। एडल्ट्रेशन पर अभी तक जो कानून है वो इतने लचीले हैं कि उसमें किसी को ज्यादा सजा नहीं होती है, तो हम तो ये चाहेंगे कि जैसे चाइना के अंदर दूध या खाने पीने की चीजों में मिलावट करने पर फांसी की, मौत की सजा का प्रावधान है, तो यहां कम से कम आजीवन कारावास तो कर दो। आज योग और आरोग्य अध्यात्म इसका पूछो तो अच्छा है, आज राजनीति वाला रहने दो तो अच्छा है। हाँ, मैं मांग कर रहा हूं ना, और भाई ने देखो, मिलावट के ऊपर तो ये होना चाहिए फांसी का प्रॉब्लम। दो तरह की चीज हमारे, एक तो मिलावट, एक तो पूरा नकली है, वो तो उसे भी खतरनाक। माने मिलावट में अच्छी में थोड़ी सी बुरी चीज मिलाते हैं, अच्छे घी में थोड़ा सा एडल्ट्रेशन किया, पशुओं की चर्बी मिला दी, थोड़ा वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, उसमें फ्रेग्रेंस मिला दिया और आर्टिफिशियल कलर मिला दिया, इसको कहते हैं मिलावट, और वो घी है ही नहीं, वो वनस्पति तेल है, उसको हाइड्रोजन डाला, क्रिस्टलाइज कर दिया और घी करके बेच दिया। ऐसे ही दवा, जो भी जेनरिक दवाई है या ब्रांडेड दवाइयां, उस दवा की एक तो मिलावट है उसके अंदर, कि उसमें कुछ भी व्हाइट पाउडर मिला दिया और गोली बांध करके दे दी, जो है उसको पंच करके दे दी। एक है नकली दवा, उसमें दवाई नाम का कोई तत्व ही नहीं है, और ऐसे कम से कम अलग अलग इलाकों में लगभग 20% नकली दवाइयां बनती हैं। अब पेशेंट खाएगा तो उसका तो जीवन खतरे में आ जाएगा। नकली दवा, नकली घी, नकली तेल, अब सरसों का तेल, एक तो मिलावट होगी, सरसों के तेल में जो है वो कच्चे घाने के तेल में वैसा डाल दिया, जो है वो जो है हेक्सीन से प्रोसेस किया हुआ तेल। एक है उसको आर्टिफिशियल कलर वो सब डाल के नकली तेल बना देते हैं, नकली घी, नकली तेल, नकली दवा, बहुत सारी चीजें नकली बन रही हैं, उसके ऊपर तो और ज्यादा सजा होनी चाहिए। मिलावट की अलग सजा, और जो नकली दवाइयां बनाते हैं, नकली फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक पतंजलि का गाय का घी, अमूल का गाय का घी, या और कोई दूसरा है, और एक ने उसी घी का नकली बना करके बाजार में उतार दिया, नकली वो पैकेजिंग करके, ये तो और ज्यादा खतरनाक है, तो इसके ऊपर सरकार को ज्यादा चिंता करना चाहिए। आपने दिनचर्या का पूछा, मैं एवरेज रात को 9 से 10 के बीच सोता हूं और 3 से 3:30 के बीच जागता हूं। बहुत लेट हो जाऊं तो 11 बजे सोता हूं और 4 बजे उठ जाता हूं। तो उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पीता हूं,
फ्रेश होकर योगाभ्यास करता हूं, रोज गिलोय का जूस पीता हूं, उसको अमृत बल्ली कहते हैं अपने गुजराती में, घड़ो कहते हैं साउथ में, उसको तिपा तिगा, कहीं उसको अमृत बल्ली, कहीं उसको गुर्च, ऐसे अलग अलग नाम बोलते हैं, गुड़वेल बोलते हैं यहां पर, गुड़वेल, अमृत बल्ली, तिपा तिगा, घड़ो, ये ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र को ठीक करने के लिए, ये तमाम तरह के रोगों से बचने के लिए, ये सब लोग गिलोय पीते 99% बीमारी से बच सकते हैं, और ये डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया की औषधि है, ऐसे मेरे को कोई बीमारी नहीं लगी। गिलोय से अपना प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहता है, कोई डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं आती है। फिर मैं लौकी का जूस पीता हूँ, लेकिन लौकी के जूस को मैं टेस्टी करके पीता हूँ। लौकी का जूस, उसमें हरा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके पियो, इतना टेस्टी लगता है। इससे बेस्ट जूस मैंने पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं देखा, मैंने सारी दुनिया छानी, लेकिन ये जबरदस्त है। फिर मैं बहुत हल्का खाता हूँ, खाने में पहले सलाद और फ्रूट्स लेता हूँ। 18 साल तो मैंने अनाज खाया नहीं, अभी मैं एक रोटी और कोई एक दाल, एक सब्जी थोड़ा खाता हूँ, शाम को खाना नहीं, खाली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क। देखो, इससे पिछले साल मैंने अमित जी के साथ किया था, वो पार्टी अध्यक्ष के साथ अब देश में एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में वो विजय दिलाई है जिसकी आप पत्रकारों ने या किसी भी व्यक्ति ने सोचा नहीं था। तो ये तो जो योग करते हैं उनको तो भगवान का आशीर्वाद सीधा मिलता ही है, और अभी तो मोदी जी और अमित जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है, धारा 370 पर भी, 35 ए पर भी, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, 3 तलाक से लेकर के जो राष्ट्र के बड़े मुद्दे हैं उन पर भी बड़ा काम होगा, क्योंकि जो योगी होते हैं ना वो सबका बड़ा सोचते हैं। बाबा जी योगी, ओम बिरला जी मेरे पुराने शिष्य हैं, पिछली बार के शिविर में ऐतिहासिक आयोजन में वो प्रमुख भूमिका में थे, और इस बार उनको बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिला है, और देवेंद्र फडणवीस साहब तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ऑलरेडी निभा ही रहे, इसलिए हम तो सर्व मंगल के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक मनसा नहीं और ना निकालना चाहिए। कम से कम एक पक्ष तो ऐसा छोड़ो, एक ऐसी ऋषियों की विद्या तो छोड़ो जिसको हम राजनीति से ना जोड़े, तो योग को मैं राजनीति से नहीं जोड़ता, एक एक करके। हाँ जी, जो आसन सिखाए, आसन करते वक्त प्राणायाम भी आपने सिखाया, और प्राणायाम करते वक्त मैंने ऐसे पढ़ा है, मुझे कुछ लोगों ने बताया भी है, मैं कुछ थोड़ा सा योग और थोड़ा सा प्राणायाम करता हूँ जी, लेकिन प्राणायाम करते वक्त मूल बंध जैसे बंद करना आवश्यक रहता है, ऐसे मैंने सुना है, उसके बारे में आप क्या? देखिए, मूल बंध ही मैंने अभी बोल रहा हूँ तो भी लगा हुआ है, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखना, इसको मूल बंध कहते हैं, और ये धातु रोगों के लिए, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे नाभि से नीचे वाले हिस्सों को ऐसे लगातार भी खींच के रख सकते हैं, इसको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लगाया जा सकता है। और फिर अगला ये उड्यान बंद होता है जिसमें पेट भी अंदर खींच लेते हैं और थोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं तो जालंधर बंद हो जाता है, ऐसे 3 बंद के साथ ये बाह्य प्राणायाम होता है। प्राणायाम के वक्त ये करना आवश्यक रहता है क्या? सब प्राणायामों के वक्त आवश्यक नहीं है, केवल बाह्य प्राणायाम के समय आवश्यक है, और करना चाहे तो कोई 2-3-5 मिनट अलग से भी कर सकता है। बाबा जी, आपने कहा था, बाबा जी एक सवाल है, आपने 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 कहा कि गांधी नेहरू परिवार में इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी जी के योग अभ्यास करते थे, इसलिए उनका राज्य होगा। अभी अगली पीढ़ियों ने शायद करना नहीं किया, राज्य भी उनका अच्छे नहीं, क्या अगली पीढ़ी को योग अभ्यास? हम तो चाहते हैं पक्ष विपक्ष सब योग करें, मोदी जी ने खुद कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष भी मजबूत होता है, तो वो संख्या बल से तो मजबूत नहीं है विपक्षी, तो कैसे मजबूत होगा विपक्ष? तो योग करेंगे तो शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल से मजबूत हो जाएंगे, तो अच्छा मुकाबला करेंगे, कम से कम प्रश्न पूछेंगे। इसलिए हम चाहते हैं पक्ष के साथ विपक्ष भी योग करे और निष्पक्ष रहे। सबको निमंत्रण है, एकदम हाथ जोड़ करके दिल से आत्मा से निमंत्रण है, सब आए, और योग में कोई राजनीति नहीं।
पूरे देश भर में पूरे विश्व भर में फैलना चाहिए, लेकिन लगातार योग को कहीं ना कहीं धर्म और इस तरीके से जो जोड़ा जाता है उसको आप कैसे देखते हैं परसों जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? देखो अब पहले वर्ष ओमकार के ऊपर थोड़ा सा लोगों ने शोर मचाया, लेकिन ओम तो एक डिवाइन साउंड है ना, देवी देवता मूर्ति प्रतिमा, कोई मजहबी शब्द नहीं है। फिर सूर्य नमस्कार पर शोर मचाया, भाई सूर्य नमस्कार तो एक फिटनेस के लिए भी है, क्योंकि जगह थोड़ी वो नहीं है, अभी कर ही देता हूँ आपको, जाते जाते उसी से समापन कर देते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य नमस्कार एक फिजिकल फिटनेस है। अब बताओ इसमें मैंने दुबई में गया तो मैंने मुसलमान बच्चे को साथ में लेकर के, वहां मुसलमान लड़का था, मैंने उसको कहा कि मेरे साथ चलो तुम योग करो, सूर्य नमस्कार करो और तुम्हारा मजहब बदल जाए तो मैं 80 सूर्य नमस्कार करना बंद कर दूंगा। वो सूर्य नमस्कार करने के बाद वो मुसलमान मानकर मुसलमान ही रहा। कोई करके देख ले किसी का सूर्य नमस्कार करने से, मैं थोड़ा स्टाइल से कर रहा हूं ऐसे सूर्य नमस्कार करने से किसी का मजहब नहीं बदल सकता। अब बताओ इससे किसी का मजहब बदलेगा? इसलिए मैं कहता हूं सब योग करो, स्वस्थ रहो। आप सबने बहुत प्यार से, अब हो गया।